माइसेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एनो फिशर। एनो मीन्स एनस, फिशर, फिशर का मतलब क्या होता है? फिशर का मतलब होता है क्रैकिंग। क्या चीज का क्रैक होना? यानी कि जब सुपरफिशियल लेयर जब क्रैक होता है उसको फिशर बोलते हैं। ये वर्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएस की बात होती है, ये कहीं भी क्रैकिंग हो सकती है, तो सारे जगह पर बोलते हैं हम लोग फिशर बोलते हैं। खास करके ये ज्यादा यूज कहाँ करते हैं? म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। अब म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन किसको बोलते हैं? देखिए, एक है यहाँ पर बोला गया ना म्यूको यानी म्यूकस लेयर है ना, म्यूको, और एक है क्यूटेनियस है ना, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन बोला जाता है, यानी म्यूकस और स्किन का जो जंक्शन है ना उसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन बोलते हैं। जैसे ये जंक्शन तो बहुत जगह मिलता है ना, लिप में भी है, नोज में भी है ना, एनस पे भी है, उसके बाद जेनिटल ट्रैक में भी होती है। तो ये जो जंक्शन है वो कई जगह होता है, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र हो रही है वह हो रही है कहाँ का? एनस का हो रहा है जिक्र। ये मान लीजिए एनस का ऑर्फिस से थोड़ा बड़ा कर दिए समझने के लिए, और यहाँ पर है रेक्टम, ये रेक्टम हो गया, ये रेक्टम हो गया। तो इस जो जंक्शन है यहाँ पे, ये बाहर वाला स्किन, अंदर म्यूकस, तो ये दोनों के बीच का जंक्शन को ही बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। जैसे ये एनस का पार्ट हो गया, तो बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्किन। अंदर वाले को बोलते हैं म्यूकस। तो दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है इसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। तो अब इस जंक्शन में जब क्रैकिंग हो जाता है ना उसी को बोलते हैं एनो फिशर। यह डिफिनेशन क्या बोलता है कि द क्रैकिंग ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन ऑफ एनस नोन एज एनो फिशर। तो ये उसके क्रैकिंग को बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज होता है कि क्रैकिंग आखिर ज्यादा कहाँ मिलता है? ऐसे तो किसी भी पार्ट पे हो सकता है, एनस के किसी पार्ट पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह इंटीरियर पार्ट है, सपोज दैट या एनस हो गया और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो एनस का ये अगर पोजीशन के अनुसार बात करेंगे तो इंटीरियर को बोलते हैं क्या? 12 o'clock, और पोस्टीरियर को बोलते हैं 6 o'clock है, 12 o'clock और 6 o'clock। तो जो ऊपर के पोजीशन पे जो होता है उसको बोलते हैं 12 o'clock बोलते हैं, और जो लोअर पोजीशन पे होता है उसको हम लोग 6 o'clock बोलते हैं। तो जो 12 o'clock मेल फीमेल दोनों में रेशियो बराबर होता है, 6 o'clock जो होता है फीमेल में ज़्यादा होता है। तो ये जो कंडीशन जो होती है ना फिशर, ये पोजीशन के अनुसार जो दिया गया है, तो दो पोजीशन में जो होता है फिशर ज़्यादातर मिलता है। अब पहले बात करते हैं इटियोलॉजी पे, तो अब इसका कारण क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण कि ये जो पार्ट है, आखिर ये पार्ट क्यों छिल जाता है, क्यों ये फट जाता है, क्यों क्रैक हो जाती है? तो सबसे फर्स्ट है हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल के कारण क्या होता है ना, जब यहाँ से हार्ड स्टूल क्रॉस करेगा तो उसे फट सकता है। दूसरा, हाई प्रेशर स्ट्रेन यूज ड्यूरिंग डिफिकेशन, या फिर अगर बाय ज़्यादा अगर स्ट्रेन यूज करते हैं डिफिकेशन के समय कंस्टिपेशन को ये मेंटेन करने के लिए, तो बाय दिवी क्या होता है कि अगर ज़्यादा देर अगर प्रेशर यूज करते हैं, ज़्यादा हाई प्रेशर अगर यूज करते हैं स्टूल को पास अप करने के लिए, तो उसके कारण भी ये स्किन क्रैक कर जाता है। अगला, नेक्स्ट, हैवी वेट लिफ्टिंग, इसकी वजह से भी हो सकता है, यहाँ पे प्रेशर लगता है लोअर डोमेन में। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट आता है जैसे मान लीजिए पेरिनियम प्रेशर इंक्रीज कर जाने से, पेरिनियम प्रेशर या वेजाइनल डिलीवरी है, डिस्टोसिया है, डिफिकल्ट डिलीवरी है, इसके कारण पेरिनियम में प्रेशर बनता है और इसके कारण भी फिशर हो जाते हैं। इसके बाद ट्रॉमा, एक्सटर्नल ट्रॉमा, कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। फिंगरिंग,
फिंगरिंग की वजह से भी, जैसे बहुत लोग क्या है स्टूल को बाहर निकालने के लिए फिंगरिंग यूज करते हैं, इस वजह से हो सकता है। नेक्स्ट एनल सेक्स, इसके कारण भी क्या हो सकता है, ये प्रेशर लगेगा और वहां से भी डैमेज कर सकता है, ये भी एक कॉज बनता है। नेक्स्ट अगर बाइक में कोई एक्सटर्नल यूज करते हैं, जैसे पर्गेटिव यूज, पर्गेटिव में जैसे एनिमा यूज करते हैं, तो एनिमा यूज करने के कारण भी क्या हो सकता है, इंजुरी हो सकता है यहाँ पे एनिमा की वजह से, जो एनिमा का ट्यूब डालते हैं उससे। अगला प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है अगर हम लोग उससे अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे भी जो एनस का जो स्किन बोले ना, ये क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। नेक्स्ट सिग्माइडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी अगर हम देखते हैं क्योंकि सिग्माइडोस्कोपी से क्या करते हैं, कोलोन को देखते हैं, उसको एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाते हैं क्रैक होने का। कुछ कारण होता है जैसे अगर भाई वहाँ का एरिया जो होता है वो ड्राई हो जाता है, या पिन वर्म का इन्फेक्शन, या एनल इचिंग, इसके कारण भी क्या होता है, यहाँ पर फिसर हो सकता है। अगला इसके बाद जो नेक्स्ट कॉज आते हैं, नेक्स्ट जैसे विटामिन बी टू डिफिशियंसी की वजह से, या फिर विटामिन ए रेटिनॉल इसकी डिफिशियंसी से, ये भी डिफिशियंसी होने पे क्रैकिंग हो सकता है। तो जितना कारण आप देखें, क्या क्या देखेंगे आप कारण, हो सकता है पाइस का प्रॉब्लम अगर हो तो 4 डिग्री पाइस, उसमें भी क्रैक हो सकता है। तो ये सब जितने कारण देख रहे हैं, सब के सब क्या है, इस सब की वजह से यहाँ पर जो एनल का जो एरिया है, ये सब क्या होता है, क्रैक कर जाती है। तो ये तो देख लिया फिसर का कारण, अब बात चलते इसके सिम्टम पे, क्या सिम्टम होता है फिसर में। देखिए 3 कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला कारण क्या है, बर्निंग, दूसरा है पेन, और तीसरा है ब्लीडिंग। यानी बर्निंग, पेन, ब्लीडिंग, ये 3 को बहुत ही ज्यादा कॉमन सिम्टम मिलता है फिसर के केस में। कब, ऐसे तो पेन तो कभी हर समय हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पेन कब होता है, जैसे डिफिकेशन के समय, डिफिकेशन के समय दर्द भी होता है, डिफिकेशन के समय जलन भी होता है, या किसी तरह का अगर प्रोसीजर किया गया तब भी, जैसे मान ली प्रोस्टेट को देखने के लिए किसी का प्रोस्टेट इनलार्ज है, उसमें भी क्या हो सकता है, क्रैक कर सकता है। तो ये उस समय क्या होता है, दर्द ज्यादा हो सकता है, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन करते समय भी क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है ज्यादा। तो 2-3 सिम्टम बड़ा होता है इंपॉर्टेंट। दूसरा जो ब्लीडिंग जो होती है, इसकी ब्लीडिंग, वह ब्लड क्या होता है इसमें, प्रोफ्यूज पास करता है, और प्लस नीचे नहीं पास करता, उसका तिरछा ब्लड निकलता है। और दूसरी जो पेन जो होता है ना, पेन का इंटेंसिटी काफी हाई होता है। देखिए पाइल्स में, अब फिसर में, पाइल्स में भी ब्लीडिंग होती है, अब पाइल्स में भी पेन होता है, फिसर में ब्लीडिंग होती है, फिसर में पेन होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि पाइल्स में ब्लीडिंग ज्यादा, पेन कम, फिसर में पेन ज्यादा, ब्लीडिंग कम, दोनों में अंतर है। यानी कि इसमें इतना ज्यादा पेन क्यों होती है, क्योंकि सेंसरी नर्व है ना, यहाँ पे सेंसरी नर्व में इरिटेशन होती है, सेंसरी नर्व डैमेज होते हैं, इसके कारण इरिटेशन भी होती है, पेन भी होती है, इचिंग भी होती है। तो पाइस में और फीसर में यही अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइस का मरीज में कंस्टिपेशन होती है, पाइस की वजह से कंस्टिपेशन होता है, और फीसर कंस्टिपेशन के कारण होता है ना, पाइस में पाइस के कारण फीसर कंस्टिपेशन हो जाती है, और ये कंस्टिपेशन के कारण डेवलप होता है। हाँ, कभी कभी पाइस भी कंस्टिपेशन से होती है, जिसको जिक्र किया था आपको। हाँ, यह जरूर है कि फीसर के कारण कंस्टिपेशन नहीं होती है, लेकिन कंस्टिपेशन की वजह से हो सकता है। और दूसरी बात है, जो पेशेंट है ना, इसमें ब्लीडिंग तो इसमें भी होता है, ब्लीडिंग पाइस में होता है, बता पहले बता दिया आपको। इसे जलन बहुत होता है, इसमें वीकनेस भी होता है पेशेंट को, सिटिंग डिस्टर्बेंस, वॉकिंग डिस्टर्बेंस, ये सब भी पेशेंट को सिम्टम कुछ ना कुछ आते रहता है। बात आते हैं साइन की तरफ, अगर हम इसको देखेंगे तो ऐसे तो दिखाई देगा नहीं, जब हम इसको प्रोक्टोस्कोप से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि अंदर में इस जो अल्सरेटेड जैसा यहाँ पर मिलेगा, अंदर में इस तरह से क्रैकिंग मिलेगा ट्राइगोन शेप में, बाहर की तरफ इस तरह का रहेगा, अंदर में ऐसा रहता है। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है ना, इस तरह का क्या होगा, इरप्शन दिखाई देगा आपको। क्या चीज से, जब प्रोक्टोस्कोप करेंगे ना, तब प्रोक्टोस्कोप की एग्जामिनेशन से आपको इस तरह का शेप मिलता है, ट्राइंगुलर शेप का वहां पर क्रैक मिलता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है,
फिशर का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि फिशर में आप ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण, बार बार होने के कारण क्या होगा, एनीमिया होगा, और उसके बाद पेशेंट साइकोलॉजिकल अपसेट भी होगा, और प्लस हो सकता है कि इसके कारण फिस्टुला डेवलप कर सकता है, अपसेस हो सकता है यहाँ पे। तो ज़्यादातर जो होती है यह कॉम्प्लिकेशन होती है। लेकिन अब एक बात आते हैं डिफेंसर डायग्नोसिस पे कि अगर फिशर है या फिर और पाइल्स है, दोनों में डिफेंसर डायग्नोसिस करने का क्या तरीका होगा? तो बता दिया ना कि फिशर क्या चीज़ होती है, क्रैकिंग होती है, और पाइल्स जो होती है इरेक्टम वेन के डायलेटेशन से होती है, दोनों में अंतर हो जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाएंगे इस फिशर के बारे में। तो सबसे पहला हो गया प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और दूसरा देख लेते हैं हम लोग सिग्मॉइडोस्कोपी से देख सकते हैं, लेकिन प्रोक्टोस्कोपी से हम लोग फिशर को अच्छा से देख लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पे, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसको जो फिशर जो हुआ है उसको स्क्रैप करके सूचनी कर देते हैं। सूचनी करने से यहाँ पर जो क्रैकिंग होती है नॉर्मल हो जाता है। एक तो सबसे पहला होता है सूचनी हो गई। अब बात है इसका मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो इसका विटामिन B2 ये सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन ए देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए या तो लग्जेटिव ड्रग्स यूज करेंगे, पॉजिटिव तरफ भाट करेंगे तो और ज़्यादा क्रैकिंग हो जाएगी। उसके बाद फाइबर डाइट देते हैं, विटामिन सप्लीमेंट दिए, कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन कम से कम हो, क्योंकि प्रोटीन डाइट में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। यही सब फिशर का मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हाँ, पखाना करने से पहले लुब्रिकेशन यूज करते हैं, कोई भी जेली है लुब्रिकेशन यूज करते हैं, उसके कारण कम से कम फिशर तो नहीं होगा, कम से कम ना क्या नहीं होगा। तो ये उसका क्या होता है, मैनेजमेंट होती है। अब बात करते हैं मेडिसिन पे, इसका मेडिसिन क्या होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है मॉक्सोल है, इसके बाद सैलिसिया है, बोरेक्स है, ये सब दवा जो होता है सबसे अच्छी दवा होता है, और ट्यूबरकुलिना भी दे सकते हैं इसके लिए। देखिए सैलिसिया और मॉक्सोल बहुत बेस्ट दवा होता है फिशर के लिए। दर्द है तो बेलाडोना यूज करेंगे वहाँ पे, अगर ज़्यादा अगर कंडीशन बनते हैं बर्न वगैरह का तो कैंथ्रिस भी यूज कर सकते हैं, एपिसमेल दे सकते हैं। तो ये सब होता है एनल फिशर का वहाँ पे ट्रीटमेंट। अगर इस पर किस तरह का क्वेश्चन हो तो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।